Today we will study compound interest. If you like the video, please subscribe the same or press the like button for the same. Let us first start with the basic. What is interest? Interest is nothing but the additional amount or the rent which one needs to pay towards using somebody else's money. अब किसी भी और का पैसा अगर यूज कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है. दैट एक्स्ट्रा मनी, दैट एक्स्ट्रा सम विच यू पे इज एक्चुअली नोन एज द इंटरेस्ट. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट. वन इज सिंपल इंटरेस्ट एंड द अदर वन इज द कंपाउंड इंटरेस्ट. बेसिकली देयर आर टू डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. इन सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज पेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल. In compound interest, interest is paid on principal plus it is also paid on the previous amounts of interest which is earned or which is received. So basic what you need to identify as a difference. Simple interest khali principal ke upar original jo value hota hai uske upar interest milta hai. Compound interest mein interest ke upar bhi interest diya jata hai. सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है. करेक्ट, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट यू ऑल विल रिमेंबर. सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, सिंपल इंटरेस्ट इट इज इंटरेस्ट डोमिनेटेड कैलकुलेशन. आप लोगों को पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास कैलकुलेशन के लिए दो फॉर्मूला यूज है. एक इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज होता है which is I is equal to PRN by 100 where P is the principal, R is the rate of interest and N is the number of years for which we have invested a sum or money. Lot of books may use this N as T also. Dono same hi hota hai, khali formula mein aap alphabet change kar rahe ho. Iska matlab logic sab kuch wahi ka wahi same rehta hai. To yahan par ek I dhoondne ka formula hai hamare paas interest ka और दूसरा एक अमाउंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है. व्हाट इज ए और अमाउंट? ए इज इक्वल टू बी प्लस आई. करेक्ट, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, इसलिए ये इंटरेस्ट डोमिनेटेड होता है. कंपैरेटिवली यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड सिंपल इंटरेस्ट के कैलकुलेशन सिंपल होते हैं. सिंपल इंटरेस्ट मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस आर ओनली परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशंस. बट कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कैलकुलेशन. तो वी विल ट्राई एंड आइडेंटिफाई इजियर वे से कैसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करें. सिंपल इंटरेस्ट अब मैंने आपको पहले अभी बताया आपके इंटरेस्ट डोमिनेटेड होता है. कंपाउंड इंटरेस्ट इज एक्चुअली नॉट इंटरेस्ट डोमिनेटेड, रादर इट इज अमाउंट डोमिनेटेड. यहाँ पर इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का एज सच कोई डायरेक्ट फॉर्मूला ही नहीं होता है. जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो अमाउंट फाइंड आउट करने का है सीधा. तो ए इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर बाय 100 टू द पावर डी या तो पावर एन, आप कुछ भी लिख सकते हो. जैसे हमारी यहाँ पर बात हुई थी फॉर द इयर्स बेस्ड ऑन द बुक्स बेस्ड ऑन द ऑथर्स बेस्ड ऑन द क्लासेस दे यूज डिफरेंट नोटेशंस. कहीं पर एन यूज होता है, कहीं पर टी यूज होता है. तो पी इज प्रिंसिपल, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी इज टाइम. This is the formula for the compound interest. अब यहाँ पर सीधा amount मिल गया, तो question है कि अगर compound interest ढूँढना होगा तो कैसे ढूँढेंगे? Then we have the other formula also, that is amount is equal to principal plus interest. तो यहाँ से interest ढूँढा जाता है. तो फिर I क्या बनेगा? P will go on the left side, so interest will be nothing but the अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो यहाँ पर पहले अमाउंट ढूंढा जाता है, फिर उसमें से प्रिंसिपल सबट्रैक्ट करके फिर इंटरेस्ट मिलता है. ये फॉर्मूला जो है वो तब यूज होता है जब कंपाउंडिंग पर एनम, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर आपने जो भी इंटरेस्ट अक्रू किया है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट होगा. जरूरी नहीं है कंपाउंडिंग हमेशा एनुअल हो, मतलब एक साल के बाद ही हो, उससे छोटे टर्म्स में भी कंपाउंडिंग हो सकता है. Compounding can be quarterly also. Compounding can be 6 monthly also. Compounding can be monthly also. Let us first look at this 6 monthly. अगर 6 monthly case है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? एक साल में अगर जो रेट एप्लीकेबल होता है वो R है, तो for 6 month half a time, so rate will be R by 2 and time जो है वो 2T हो जाएगा, because एक साल में दो बार compounding हुआ. Then
क्वार्टरली, तो एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, चार क्वार्टर होते हैं. सो इन दिस केस इंस्टेड ऑफ टू इट विल बिकम आर बाय फोर एंड दिस 2t विल बिकम 4t. अगर मंथली है तो इन अ ईयर हाउ मेनी मंथ्स वुड बी देयर, 12, तो इट विल बी आर बाय 12 और ये कितना हो जाएगा 12. नॉर्मली एग्जाम पर्सपेक्टिव ये होता है, एज कैलकुलेटर्स आर नॉट अवेलेबल एंड दिस कैलकुलेशन बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड. ज्यादा से ज्यादा ईयरली, सिक्स मंथली या तो क्वार्टरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मंथली तक मोस्ट ऑफ द केसेस आपको एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे. तो वो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो ईयर मंथ दैट इज हाफ ईयर एंड क्वार्टर यहाँ तक आ सकते हैं. तो बस आपको इसको इतना ही याद रखना है, एक ही फॉर्मूला है, मॉडिफाई करोगे, हाफ ईयरली है आर बाय टू 2t, क्वार्टरली है तो आर बाय फोर 4t.